पावर है लूसिफर के पास। क्यों इल्यूमिनाटी के मेंबर करते हैं लूसिफर की पूजा? क्या धरती पर जो बुरे काम हुए हैं पास्ट में, उसमें था लूसिफर का हाथ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीगैस स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त लीजा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लूसिफर क्यों करता है इंसानों से नफरत। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे लूसिफर को गॉड ने बड़ी बारीकी से बनाया था और कैसे लूसिफर को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और उसने अपने घमंड के कारण जीसस के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया था और वो कैंपेन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा था। लूसिफर के बर्ताव के कारण कई एंजल्स ने गॉड से लूसिफर की शिकायत की, जिसके बाद गॉड ने लूसिफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, यानी कि हेवन से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो नर्क में चला गया और नर्क का राजा बन गया। अब मैं इसके आगे की कहानी आप लोगों को बताने वाली हूँ, पर इससे पहले मैं आपको कहानी बताऊंगी गॉड फादर अपकमिंग मूवी है टेलीग्यू इंडस्ट्री की, जो कि एक रीमेक होने वाली है मलयालम मूवी लूसिफर, जो कि आई थी 2019 में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं, पर उनका कैमियो इस मूवी का बेस होने वाला है, क्योंकि सलमान खान इस मूवी में लूसिफर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको लूसिफर की फाल के बारे में बताती हूँ। तो लूसिफर भी दूसरी देवताओं की तरह अमर है। इसके पास दो सफेद पंख है जिसकी मदद से वो बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ सकता है। ये पंख बिल्कुल एक एंजल की पंख की तरह दिखते हैं, क्योंकि लूसिफर खुद एक एंजल हुआ करता था। लूसिफर के पास वो सारे डेमोनिक पावर्स हैं जो कि एक नर के राजाओं के पास होते हैं, और लूसिफर धोखा देने और लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। कई मिथोलॉजी माने ऐसा माना गया है कि ह्यूमैनिटी में पास्ट में जितने भी बुरे काम करने वाले लोग पैदा हुए हैं, वो किसी न किसी तरह से लूसिफर के शिकंजे में। लूसिफर इंसानों से 7 डेडली सिंस करना चाहता है, और हर के सिंस के लिए SNS के एक मास्टर डेमोन को अपॉइंट किया जाता है, जो कि उसका काम बखूबी करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इंसानों को भगवान ने बनाया है और वो इंसानियत को खत्म करके हमारे स्पिरिट को नर्क में कैद करना चाहता है। अब मैं इन 7 सिंस के बारे में इसे और वीडियो में बताऊंगी। लूसिफर को रूलर ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सबसे वफादार डेमन माइमोन था। लूसिफर को कई टीवी सीरीज और मूवीज में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे इस सुपरनैचुरल कॉन्स्टेंटिन एक्सेट्रा। लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स लूसिफर की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग भी उसकी तरह जीसस के खिलाफ हैं, और इसलिए वो लोग लूसिफर को शैतान नहीं बल्कि मुक्तिदाता मानते हैं। यहाँ मैं लूसिफर का एक इंसिडेंट एक रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करना चाहूंगी, जिससे आप एग्जॉर्सिज्म ऑफ एवरी रोज के नाम से जानते हैं। एमिली रोज के बॉडी में 6 डेमन्स थे और उनमें से एक लूसिफर भी था। हालांकि उस लड़की का रियल नेम एमिली मैशल था, पर हम लोग उसे एमिली रोज के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा बताया गया है कि लूसिफर ने कई राजाओं को अपनी चपेट में लिया हुआ था। इन्हीं टेस्टामेंट में ये भी लिखा हुआ है कि हजारों साल बाद सैटर्न और गॉड के बीच में एक फाइट होगी, जिस फाइट में गॉड सैटर्न को लेक ऑफ फायर में डुबा देंगे, जिससे सैटर्न हजारों सालों तक इंसानों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये थी लूसिफर की पूरी कहानी, जिस पर अब गॉड फादर मूवी बनने जा रही है, जिसमें सलमान खान कैमियो करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अब पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज का यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आप मिस न कर पाए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और